अस्सलाम वालेकुम। और नेक्स्ट ओपीडी केस डिस्कशन इज अबाउट द एलोपीसिया। एलोपीसिया इज़ व्हाट इट इज़ एक्चुअली हेयर लॉस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मेल वर्सेस फीमेल पैटर्न बाल्डनेस। सो मेल पैटर्न बाल्डनेस क्या होती है कि किस तरह से वो गंजे होते हैं, वो इस तरह से कि जो है उनके यू शेप्ड जो है ना गंजे होते हैं, वो मतलब साइड से बाल रह जाते हैं और दरमियान से फिर झड़ते जाते हैं। ठीक है, दिस इज़ मेल पैटर्न बाल्डनेस। एंड व्हाट्स द फीमेल पैटर्न बाल्डनेस, इट इज़ लाइक दिस वी शेप्ड में जो हेयर लाइन के अलोंग जो होती है वो बाल्डनेस होती है, उसको कहते हैं फीमेल लाइक। दिस इज़ वी शेप्ड और मेल्स के अंदर यू शेप्ड होती है। ठीक है, फीमेल्स में वी शेप्ड होती है अलोंग द हेयर लाइन और मेल पैटर्न बाल्डनेस क्या होता है, यू शेप में होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने बात करनी है कि टाइप्स ऑफ एलोपीसिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द, ये हम टाइप्स डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट इज़ अ एंड्रोजेनेटिक। ठीक है, सबसे पहले तो जेनेटिक आ जाता है कि अगर किसी के मतलब फैमिली में बाल्डनेस की हिस्ट्री है फादर को और उनके सिबलिंग्स को, तो वो जीन्स जो हैं वो आगे ट्रांसफ़र होती हैं। ठीक है, और एंड्रो मींस के हार्मोनल, जैसे फीमेल्स के अंदर यू नो दैट पीसीओएस का प्रॉब्लम हो, मेंस्ट्रुअल साइकिल का प्रॉब्लम हो, तो उनमें क्या होता है फिर कि उनके हार्मोनल इश्यूज की वजह से उनके अंदर हेयर लॉस शुरू हो जाता है। इसके अलावा स्ट्रेस, स्ट्रेस में क्या होता है कि जो वास्कुलर सप्लाई होती है स्कैल्प की वो कॉम्प्रोमाइज़ होती है, कॉर्टिसोल लेवल हाई होता है एंड इट रिजल्ट्स इन बाल्डनेस। लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है ये स्ट्रेस की वजह से, रिकरेंट स्ट्रेस की वजह से। ठीक हो गया, इसके अलावा हम बात कर सकते हैं प्रेगनेंसी जो है वो ज़्यादा हो रही है या फेलियर ऑफ प्रेगनेंसी, मिसकैरेजेस हो रहे हैं तो उसमें भी हेयर लॉस होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो टाइप आती है डैट इज़ एरेटा, ऑटो इम्यून, मतलब कि किसी के अंदर कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ थी पहले से, IBS का पेशेंट था या कोई भी जो है दूसरी ऑटो इम्यून डिजीज़ जिसके अंदर थी, फॉर एग्जांपल एटॉपिक डर्मेटाइटिस का ऑलरेडी पेशेंट था एंड नाउ ही इज़ हैविंग हेयर लॉस, तो मतलब ऑटो इम्यूनिटी की वजह से उसकी हेयर लॉस हो रहा है, दिस इज़ नोन एज एरेटा। ठीक है, नेक्स्ट इज़ फंगल इन्फेक्शंस। फंगल इन्फेक्शंस की वजह से भी यू नो दैट टीनिया में हमने पढ़ा था हेयर लॉस होता है। ठीक है, या दूसरे फंगल इन्फेक्शंस की वजह से हेयर लॉस होता है। ठीक है, उसके अलावा सेबोरिक डर्मेटाइटिस में हेयर लॉस होता है। नेक्स्ट इज़ टेलोजन। टेलोजन मतलब टेम्प्रेरी हेयर लॉस, मतलब फॉर एग्जांपल किसी की चाइल्ड बर्थ हुई है या कोई एक्यूट इलनेस का पेशेंट है, मेजर सर्जरी हुई है किसी की, कोई मेडिकेशन उसने ली है थोड़ी देर के लिए, या रैपिड वेट लॉस हुआ है, कोई वाइटामिन डेफिशिएंसी है, तो इन सब में वेट जो है हेयर लॉस होगा। ट्रैक्शन, ट्रैक्शन मतलब कि कोई बहुत खींच रहा है अपने बालों को। ठीक है, लाइक कॉम्बिंग, टाइट बैंड्स, ठीक है, रेसलर्स एक दूसरे के खींचते हैं बाल, या हम कैराटिन ज़्यादा करवाने की वजह से, डाई करवाने की वजह से। ठीक है, और हेयर स्टाइलिंग की वजह से क्या होता है कि बाल खींचते हैं, उनकी रूट्स जो हैं वो डैमेज होती हैं, इट रिजल्ट्स इन हेयर लॉस। ठीक है, नेक्स्ट इज़ योर एडियोपैथिक, के कोई कॉज का नहीं पता कि क्यों हेयर लॉस हो रहा है। सो दीज आर द कॉजेज। ऑब्वियसली अगर किसी को जो कॉज है उसको हम रूल आउट करेंगे, उसको ट्रीट करेंगे तो पेशेंट ठीक हो जाएगा, लेकिन ऑटोइम्यून डिजीजेज हैं, जेनेटिक है और जो है लाइक एडियोपैथिक है, इनको तो हम ट्रीट नहीं कर सकते, ये तो उसी तरह रहेंगी, लेकिन ऑब्वियसली हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, फर्दर हेयर लॉस को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो पेशेंट को आपने समझा देना होता है कि ये आपका परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, इसका जीन्स में है तो होगा ही होगा हेयर लॉस। ठीक है, हेयर लॉस और मतलब ये सब कुछ ठीक है, लेकिन जो कॉजेज हैं, अगर हम लाइक एंड्रो जेनेटिक है, ठीक है, एंड्रो हार्मोनल की वजह से पीसीओएस का इशू है, उसको ट्रीट करेंगे तो हेयर लॉस ठीक होगा। इसी तरह फंगल इन्फेक्शंस को ट्रीट करेंगे तो हेयर लॉस ठीक होगा। इसी तरह जो है ट्रैक्शन को ठीक करेंगे तो हेयर लॉस ठीक होगा, स्ट्रेस कम लेंगे तो हेयर लॉस ठीक होगा। तो ये सारी कॉजेज़ हैं। ठीक है, कॉजेज़ का क्यों पता होना चाहिए कि हम ट्रीट करेंगे पेशेंट को उसके अकॉर्डिंगली। ठीक हो गया, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अब इसका हम ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, हेयर लॉस का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। सो वी हैव द मिनोक्सिडिल हेयर स्प्रे।
ठीक है, किसी को हेयर लॉस हो रहा है तो यू विल रिकमेंड दिस मिनोक्सिडिल हेयर स्प्रे, जो कि नाम से आता है हेयर मैक्स, मिनोक्सिन, मिनोक्सिडिल, रोटाजेन, इन सब के नाम से आता है, ठीक है। इसमें जो हेयर मैक्स, मिनोक्सिन और मिनोक्सिडिल हैं ये थोड़े सस्ते हैं, ठीक है, और रोटाजेन जो है ये थोड़ा महंगा है, ठीक है। ये 1000 रुपये में फॉर एग्ज़ाम्पल आ रहे हैं, तो रोटाजेन जो है वो 20,000 का एक आता है, 15 दिन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो डिफरेंस क्या है कि जो सस्ते वाले हैं उनका थोड़ा टाइम बाद इफ़ेक्ट आता है, और रोटाजन जो महंगा वाला है उसका इफ़ेक्ट जो है ट्रीटमेंट का जल्दी आ जाता है, ठीक है। इनके पिक्चर्स मैं आपको शो करती हूँ अभी। तो इनका ट्रीटमेंट क्या होता है, ड्यूरेशन 4 मंथ्स, ठीक है। अगर तो पहले ओडी देख के देखेंगे, अगर ओडी से ट्रीट नहीं हो रहा फिर बीडी देखेंगे, ठीक है। और इसको सारे सर पे लगाना बेहतर होता है, स्प्रे को, मिनोक्सिडिल का स्प्रे जो होता है, एक टाइम अगर तो रात के वक्त एक टाइम यूज़ करा है तो रात के वक्त, अगर 2 टाइम यूज़ करा है तो सुबह शाम, ठीक है। फिर क्या करना है, मिनोक्सिडिल हेयर स्प्रे लगाने के बाद 1 आवर का गैप दिया, और फिर आपने लगवाया बीटाडर्म लोशन, ठीक है। बीटाडर्म लोशन जो है इट इज़ अ स्टेरॉयड विच इज़ यूज्ड, ठीक है, और ये उस इन्फ्लेमेशन वगैरह को कम करता है। और इनका ये काम क्या करता है कि ये हमारी जो है एलोपीसिया को कम करता है, रूट्स को ग्रो करने में हेल्प करता है। अगर रूट्स डैमेज हो गई हैं, बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं, फिर तो हम उसको ट्रीट नहीं कर सकते, लेकिन अगर रूट्स जो हैं वो छोटी हैं तो उनको ग्रो करने में हेल्प करते हैं, हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं ये मिनोक्सिडिल स्प्रे, ठीक है, ग्रो करवाने में हेल्प करते हैं, सेलुलर प्रोलिफ्रेशन में हेल्प करते हैं, ब्लड सप्लाई अच्छी करते हैं उस जगह की, ठीक है। तो ये सारा, तो बीटाडर्म लोशन हमने लगाना है, मिनोक्सिडिल स्प्रे यूज़ करने के बाद 1 घंटे का गैप दिया, ठीक है, और बीटाडर्म स्प्रे यूज़ किया। बीटाडर्म स्प्रे कैसे यूज़ करना है, इसको अल्टरनेट डेज पे यूज़ कर सकते हैं या रोज़ाना, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो रोज़ाना यूज़ करो, अगर एक टाइम, और अगर उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है तो रोज़ाना 2 टाइम यूज़ करना, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ वी ट्रीट, समझ आ गई आपको कि आपने मिनोक्सिडिल हेयर स्प्रे जो जिसकी डिफरेंट मैंने आपको जो है इनके ब्रांड्स बताए हैं उनको आपने 4 मंथ्स के लिए यूज़ करवाना है ओडी या बीडी में, 1 घंटे का गैप दिया और फिर बीटाडर्म लोशन यूज़ किया। बीटाडर्म लोशन उसी जगह पे अप्लाई करना है जहाँ पे प्रॉब्लम है, अल्टरनेट और डेली ओडी और बीडी, ओके। सो नेक्स्ट इज़ मल्टीविटामिंस। मल्टीविटामिंस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, इसमें आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं। मल्टीविटामिंस आपने 2 से 3 महीने के लिए, मीन 60 to 90 days के लिए यूज़ करवाने होते हैं। मल्टीविटामिंस में फिर आपके पास सस्ते ऑप्शंस भी हैं, महंगे ऑप्शंस भी हैं। सस्ते में क्या है, सर्बैक्स जी है, न्यूट्रीफैक्टर है, हेयर एड, रेडियंस, बिटामैक्स, कॉस्मेट, ये सारे सस्ते हैं। महंगा कौन सा है, सेंट्रम, ठीक है। सेंट्रम जो है वो 10,000 का एक आता है, और ये आपने जो है वो दुबई साइड का लेना होता है, यूएसए का नहीं लेना होता, उसमें जेलेटिन होता है, वो हराम होता है, तो आपने हलाल साइड पे जाना होता है, ठीक है। तो यू हैव ऑप्शंस ऑफ मल्टीविटामिंस टू, तो हम सर्बेक्स डी हो सकता है, सेंट्रम एंड न्यूट्रीफैक्टर का डर्माजोन है, ठीक है। डर्माजोन में जो है बायोटिन होती है जो हेयर नेल्स के लिए होती है, परफेक्टेल आपके पास एक ऑप्शन है, ठीक है। और ये सारा कुछ लगाने के साथ साथ पेशेंट को आप कहो कि हफ्ते में एक दफ़ा अंडा लगाओ सर पे, विच इज़ बायोटिन, हेल्प्स द हेयर्स टू ग्रो, ठीक है। इसके अलावा पेशेंट को आपने कहना है कि ज़ोर ज़ोर के कंघी नहीं करनी, आराम आराम से करनी है, स्टाइलिंग वगैरह से परहेज़ करना है, ठीक है। फ्राइड आइटम्स नहीं लेनी बिकॉज इट कंटेन्स द ट्रांस फैट्स, चीज़ जो है उसको यूज़ नहीं करनी, ठीक है, वो भी आपके पास हार्मफुल है, तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। और इन सब के हम पिक्चर्स देख लेते हैं। सो दिस इज़ हेयर मैक्स, ठीक है, जिसको आप यूज़ करते हो 4 मंथ्स के लिए ओडी या बीडी में, 1000 रुपये का तकरीबन आ जाता है। दिस इज़ रोगेन विच इज़ 20,000 का आता है, और ये आप जो है वो यूज़ करवाते हो। ये मैन एंड वुमेन दोनों के लिए है, मैन के लिए यूजली फोम होता है, वुमेन के लिए स्प्रे की फॉर्म में भी आ जाता है, ठीक है। 20,000 का होता है, 15 दिन के लिए यूज़ होता है, ठीक है, लेकिन इसके इफ़ेक्ट जो है वो उससे ज़्यादा अच्छा आता है हेयर मैक्स वगैरह से। लेकिन ऑब्वियसली हेयर मैक्स हम प्रिस्क्राइब करते हैं, हमारे जिस तरह के जो है लोग होते हैं वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते रोगेन को, ठीक है। नेक्स्ट इज़ बीटाडर्म लोशन, जो कि हमने अप्लाई करवाना होता है अल्टरनेट और
डेली ओडी या बीडी में, ठीक है, बीटा मेथाजोन होता है इसमें, 1 आवर गैप के बाद, ठीक है। साथ में हमने प्रिस्क्राइब कर दिए मल्टीविटामिन्स, न्यूट्रीफैक्ट का विटामैक्स है, सर्बेक्स जी है, डर्मेजोन है, इनमें से कोई भी हम कर सकते हैं, सेंट्रम है, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट दिस एलोपेसिया, समझ आ गई किस तरह से हमने ट्रीट किया पेशेंट को, ठीक है। ट्रीटमेंट के साथ साथ जो आगे से ट्रीटमेंट्स होते हैं जो कि स्पेशलिस्ट या एस्थेटिक्स जो होते हैं एस्थेटिक्स में होते हैं, वो होते हैं PRPs, मीजोथेरेपी, स्टेम सेल रिप्लेसमेंट एंड हेयर ट्रांसप्लांट, ठीक है। PRPs में क्या किया जाता है कि जो प्लाज्मा है उसके ग्रोथ फैक्टर्स लिए जाते हैं और उसके 5 से 6 सेशंस करवाए जाते हैं, ठीक है। और वो जो है PRP एक प्रोसीजर है, इसके अलावा मीजोथेरेपी एक प्रोसीजर है, उसमें भी ग्रोथ फैक्टर्स करवाए जाते हैं, स्टेम सेल, ठीक है, उसमें भी, मतलब ये महंगे प्रोसीजर्स होते हैं, ये अगर बहुत ज़्यादा हेयर लॉस की प्रॉब्लम हो तो फिर ये प्रोसीजर्स परफॉर्म किए जाते हैं। फिर लास्ट ऑप्शन है ट्रांसप्लांट का बचता है, उसमें भी आपकी जो अगर तो स्टेम सेल्स जो है वो ख़त्म हो गया ना, फिर तो बिल्कुल भी पेशेंट दोबारा ठीक नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन अगर स्टेम सेल डैमेज नहीं हुए ना, तो फिर तो आप कोई ट्रीटमेंट्स करवा के कुछ ना कुछ बेहतरी कर सकते हो। सो दिस इज़ अबाउट द एलोपेशिया। अभी आप थोड़ा सा क्लिनिकल फीचर्स इसके देख लें, हिस्ट्री देख लें अपने पेशेंट से क्या क्या पूछना है, ठीक है। और फिज़िकल एग्जामिनेशन पे आप देख लें कि किस तरह से आपको स्कैल्प मिल सकती है जो आपने देखनी है पेशेंट की हिस्ट्री के बाद। इन्वेस्टिगेशंस जो कि आप करवाते तो नहीं हो, बायोप्सी वगैरह, लेकिन इन्वेस्टिगेशंस है, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट कि आपको पता होना चाहिए मेल वर्सेज़ फीमेल बेडल्स क्या होती है, टाइप्स क्या होती हैं, ठीक है। पेशेंट को आपने क्या समझाना है बाद में, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स कि अगर आपको कौन सी मसला है तो किस वजह से, ठीक है। ट्रीटमेंट मैंने आपको बता दिया, मिनोक्सिडिल हेयर स्प्रे आपने याद रखना है, ठीक है, बीटाडर्म लोशन याद रखना है और विटामिन्स याद रखने हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस एलोपेसिया। ये मैंने कुछ टाइप्स इसकी देखी थी, आप देख लें, टाइप्स मैंने कुछ डाउनलोड की थी, ठीक है। कॉजेस है in the types, so this is all about it.